Assalamu alaikum dear students, welcome xpacademy.com, जहां पर आप step by steps Adobe Photoshop CS6 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं. Dear students, ये lesson पिछले ही lesson का हिस्सा है, means उसका part 2 है. इससे पहले वाले lessons के अंदर आपने देखा कि हम लोग quick selection tool को कैसे use करते हैं, और at the end में जाकर मैंने आपको refine की कुछ options बताई थी. इस लेसन के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह वही ऑप्शन अगेन डिटेल से जाने बता रहा हूं. तो स्टार्ट करते हैं लेसन. मैं अपने पास फाइल ओपन कर देता हूं. मेरे पास यहां पर दो फाइलें ओपन है, एक मेरे पास सिंपल ऑरेंज की फाइल है और दूसरी मेरे पास एक बूट्स की फाइल्स बनी हुई है. इन दोनों के ऊपर मैं आपको जो आपके पास आपके रिफाइन कंट्रोल है उसको बताने की कोशिश करता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपने इस बूट स्टाइल पे. इसको मैं सिलेक्शन दे देता हूँ. अगेन मैं क्विक सिलेक्शन, मेरा टूल सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना के इसकी मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ. ठीक है, अब देखिए मैंने इसकी तमाम सिलेक्शन यहाँ पर बना डाली है. और अब मैं रिफाइन टूल के ऊपर क्लिक कर दूंगा. जैसे मैंने इसको रिफाइन टूल के ऊपर क्लिक किया, अगर मैं इसको कंट्रोल और स्पेस को प्रेस कर दूँ तो मेरे पास प्लस का टूल यानी कि जूम का टूल एक्टिव हो जाएगा. अब आप इसके टॉप पर आ जाएं इस एरिए पे, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स बाकी कट्स तो बिल्कुल ठीक आ गया है, लेकिन ये जो इसकी एजेस आ रही है मेरे पास, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ पहले इसका जो बैकग्राउंड था, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं यहाँ पे, तो आपके पास वाइट था, लेकिन जैसे ही आपने रिफाइन पे क्लिक किया तो आपके पास ये ब्लैक बैकग्राउंड लेकर आ रहा है. अब लाजमी नहीं कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक ही हो आपके पास. आपके पास यहाँ पर आ जाए व्यू पे, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शंस मौजूद हैं. आप इसको ये कलर दे सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, ऑन लेयर कर सकते हो. तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है, तो मैं इसमें से ब्लैक को लेना पसंद करूँगा. और इसके बाद मेरे पास जो इधर ऑप्शन आ रही है वो मेरे पास क्या, ये आपका ब्रश एक्टिव है, रिफाइन रेडियस टूल. बेसिकली रिफाइन रेडियस टूल का रेडियस टूल आपके पास करता क्या है, आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसका जो बॉर्डर होता है, इसको या तो सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर देगा या हार्डनेस में कन्वर्ट कर देगा. लाइक जैसे कि मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है, आप देखें इसके जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर तमाम एजेस आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे. ठीक है, आपने करना क्या है, मेक श्योर आप जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास रिफाइन रेडियस टूल की है और एक आपके पास रेजर की है. तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिफाइन रेडियस टूल. और जैसे ही आपके पास ये जो आपका कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसके ऊपर इसे ड्रैग करता हूँ. माउस को मुसलसल होल्ड रखें और यहाँ पर लाकर क्लिक कर दें. अब देखें जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो वीक पॉइंट्स आ रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. अगर मैं इसको अगेन कंट्रोल जेड कर दूँ तो आपको दिखाई देगा, ये देखें और ये देखें, पहले ऐसा था, जैसे मैंने इसके ऊपर अपना रिफाइन टूल घुमाया तो इसने एजेस को बिल्कुल परफेक्ट बना के दे दिया. तो इसी तरह से जब आप कोई कटिंग वगैरह कर लें तो उसके तमाम एजेस पे आप इसको अगर घुमा दें तो आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे देगा. यानी कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, जैसा कि मेरे पास इस एरिए पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप इस एरिए पे आ जाएं, घूम के ले जाएं इसे, तो अब देखें वो प्रॉब्लम्स आपकी इधर सॉल्व हो जाएगी. इस तरह से अब आपके पास यहाँ पर है बेसिकली इसके लिए, तो आपके पास जो बेसिक्स टूल है वो जब आप इसको कट करते हो, सिलेक्शन देते हो, उस वक्त आपको इसके ऊपर लैसो टूल के थ्रू काम करना होगा. लेकिन अगर आप चलें रिफाइन की लगा देते हैं, देखते हैं क्या करता है. ये देखिए आपके पास को कोशिश कर रहा है परफेक्ट करने की, ये देखिएगा, ये देखिए अब तरह से मुकम्मल वो कोशिश कर रहा है कि इसको परफेक्ट कर दिया जाए, लेकिन जहां तक वो कर पाएगा वहां तक करेगा, उसके आगे वो आपको नहीं करने देगा. ठीक है, इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन मेरे पास आ रही है वो यहाँ पे क्या है, आपके पास स्मूथ की आ जाती है. बेसिकली स्मूथ जो है आपके जो कॉर्नर्स हैं इनके अंदर स्मूथनेस लाता है. कैसे लाता है, इसके लिए मैं अपनी फाइल नंबर 2 को यूज करूंगा. इस काम के लिए मैं इस फाइल का यूज करूंगा. अगेन मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्शन देता हूँ, मेरे पास ये ऑरेंज का जो अंदर वाला एरिया है सिलेक्ट हो चुका है. और अगेन आप रिफाइन एज पे ही क्लिक कर दें और मैं इसको कंट्रोल के थ्रू यानी कि मैं इसको कंट्रोल और स्पेस के थ्रू इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ.
ये मेरे पास जूम इन हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये रहा, और शिफ्ट के और अपना स्पेस के थ्रू इसको मैं इधर मिडिल पे लेकर आ जाता हूँ। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर ये शेप आ चुकी है। अब अगर आप गौर से देखें इसके कॉर्नर्स को, मैं इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल बाउंड्री लाइन को स्मूथ बनाना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, स्मूथ में आ जाएंगे तो इसको आप स्मूथनेस दे सकते हैं। ये देखें पहले ये ऐसा था, आपके पास ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ तो देखिए वो तमाम के तमाम पॉइंट्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, मीन स्मूथ कर दिया इसने इस शेप्स को, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फर्दर की ऑप्शन है, इसको आप आगे तरफ ले जाएं तो मैं आपको फर्दर का पहले फंक्शन बता कर आ चुका हूँ क्या है, बिल्कुल उस तरह से देखिए ये अप्लाई करके आपको दे देगा, करेक्ट। इस तरह से आपके पास फिर इसके शिफ्ट एजेस होते हैं, या तो ये आपके पास एजेस जो है बाहर की तरफ निकलेंगे या मजीद अंदर की तरफ जाएंगे, तो मैं अगर आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे प्लस में तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं, मैं अगर स्मूथ को भी पीछे लेकर चला जाऊं तो देखिए इसने कुछ ऐसा कर डाला, 100 पे लेके जाएं मजीद इसने बिल्कुल एजेस आपके सामने लेकर आ गया है। अगर इसको मैं इनर की तरफ लेकर चला जाता हूँ तो देखिए अब मेरे पास ये एजेस अंदर की तरफ, वाइटनेस जो एरिया था वो अंदर की तरफ चला गया है, लेकिन अगेन मेरे पास यहाँ पर देखें पिक्सल्स क्या हैं, ब्लास्ट हैं, और इसके लिए डेफिनेटली अब आपको साथ में स्मूथ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने स्मूथ का यूज़ किया तो आपके पास अब वो तमाम जो वीक पॉइंट्स थे वो यहाँ से हट चुके हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर डाला, बल्कि मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगेन मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि ऑटो इनहेंस की, अब ये क्या करता है, आप इसको क्लिक कर दें, याद रखिएगा इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले आपने क्लिक कर देना है। अब आप अगेन इसकी सिलेक्शन बना डालें, मैंने अगेन इसकी सिलेक्शन बनाई, अब आप वापस रिफाइन में चले जाएं, और रिफाइन में जाएं तो देखें इसने क्या किया, इसने पहले से ही तमाम एजेस को तो जितना ये तक यानी क्योंकि ये ऑटो इनहेंस था तो इसने ऑटो यानी कि पहले से ही सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बेहतर कर डाला आपके पास, ठीक है। तो अब आप जब इसके ऊपर काम करेंगे तो ये और आपके पास परफेक्ट आपकी शेप को शो कर देगा। तो डी स्टूडेंट्स ये कुछ ऑप्शंस थी जो कि मुझे आपको इस लेसन में बताना ज़रूरी थी, मैंने इससे पहले लेसन के अंदर भी कोशिश की थी लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि इसके लिए एक अलहदा से लेसन हो जाए, आप बेहतर तौर पर समझ जाएँ बेसिकली आपके पास रिफाइन टूल है क्या चीज़ है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस हद तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होऊंगा। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.xpacademy.com। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो विजिट करें हमारी तो प्लीज़ कॉल करें 03439017779 पे, ईमेल xpacademy@yml.com, हमारा स्काइप का एड्रेस xpacademy, और सिर्फ हमारा फेसबुक का भी एड्रेस है xpacademy। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।